हेलो एवरीवन, आई एम आयशा फ्रॉम नेशनल एकेडमी ऑफ फायर एंड सेफ्टी। तो आज हम बात करेंगे सेफ्टी मेजर्स के बारे में। ठीक है, हर जगह पर आप क्या सेफ्टी मेज़र रख रहे हैं, किस जगह पर किस तरीके के सेफ्टी मेज़र रखने हैं, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब कोई भी वर्क चल रहा है मान लीजिए, उसके सेफ्टी मेज़र्स क्या हैं, किस तरीके से आपको वहाँ सेफ्टी रखनी है, ये सारी बातों के बारे में बात करेंगे। क्योंकि देखिए, सेफ्टी मेज़र्स रखना बहुत ज़रूरी है। सेफ्टी मेज़र्स कैसे रखने हैं ये अगर आपको पता होगा, जिस वर्क प्लेस पे आप काम कर रहे हैं उस वर्क प्लेस पे किस तरीके के सेफ्टी मेज़र्स प्रोवाइड कराने हैं, वो सब कैसे पता चलेगा, जब हमें उसके बारे में पता होगा कि हमारा ये वर्क है अभी। ठीक है, अब इस जगह के वर्क पे हमें इस तरीके की सेफ्टी प्रिवेंट करनी होगी, इस तरीके के सेफ्टी मेज़र्स रखने होंगे, इस तरीके से सेफ्टी प्रोवाइड हम कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें जब हमें पता होंगी उस वर्क प्लेस के लिए, तभी हम प्रोवाइड करा पाएंगे। तो आज का यही टॉपिक है कि हम सेफ्टी मेज़र्स किस जगह पर कैसे रखें। तो देखिए, सबसे पहले तो सबसे बड़ा सेफ्टी मेज़र जो खुद के लिए है वो है PPEs पहनना। ठीक है, और बाकी जो आपके वर्क प्लेस हैं उनके अकॉर्डिंग अलग अलग सेफ्टी मेज़र्स रहते हैं। सेफ्टी मेज़र्स ये नहीं कि आपने तुरंत देखा और आपको समझ में आ गया, इनके लिए बहुत बड़ी तैयारी की जाती है, प्लानिंग की जाती है, तब आप वहाँ उस प्लेस पे सेफ्टी मेज़र्स रख सकते हैं। होते ये छोटे छोटे हैं, चीज़ें छोटी छोटी होती हैं। अब जैसे कि हाइट पे गए तो आपने हार्नेस पहन ली, हाइट पे प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हैं, हाई प्लेटफॉर्म है तो वहाँ गार्ड रेल्स होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से सेफ्टी मेज़र्स यही होते हैं, बारीक बारीक चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें। आपका सेफ एक्सेस आपने बना के रखा है, उसके लिए क्या सेफ्टी मेज़र्स रखे हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें रहती है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर हमें पता नहीं होता है कि हमें कैसे सेफ्टी मेज़र्स रखने हैं। कईयों जगह पर ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप सेफ्टी मेज़र नहीं रख रहे हैं। इलेक्ट्रिकल वर्क है वहाँ पे क्या सेफ्टी मेज़र रखने हैं, मैकेनिकल वर्क है वहाँ क्या, कंस्ट्रक्शन वर्क है वहाँ क्या रखने हैं। तो इस तरीके की चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए, तभी हम सेफ्टी मेज़र्स रख पाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़, सेफ्टी मेज़र्स का मतलब यही नहीं कि आपके वर्क प्लेस सेफ्टी, सेफ्टी मेज़र्स हर जगह रखना है। आपका घर हो, हॉस्पिटल हो, कहीं भी हो, आपको हर जगह सेफ्टी मेज़र रखने हैं, तभी आप और भी चीज़ों से होने वाले एक्सीडेंट से बच सकते हैं। क्योंकि घर पे क्या, घर पे खतरे नहीं होते हैं, बिल्कुल होते हैं। इलेक्ट्रिक वायर जो रहते हैं, अगर उनमें आग लग जाए, गैस सिलेंडर है वो भी एक खतरा है, बहुत सारी चीज़ें, हॉस्पिटल्स हैं वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई मेडिसिन है वो एक्सपायर है, या किसी पर्सन का अभी कुछ बीमार है, वो उसके अगर वायरस वहाँ छूट रहे हैं, जैसे कि अभी COVID-19 चल रहा है, इस तरीके की चीज़ें। हॉस्पिटल में भी सेफ्टी मेज़र्स रखने होंगे ना, जैसे कि हम कोविड के लिए अभी रख रहे हैं, ये सारे सेफ्टी मेज़र्स। मैं यही बता रही हूँ कि हर जगह सेफ्टी मेज़र रखना ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है वो आपका वर्क प्लेस ही हो, और भी जो आपके आसपास की जगह हैं, रोड्स हैं, सभी जगह सेफ्टी मेज़र रखने हैं। अब रोड पे जब आप ड्राइव करते हैं तब भी आप सेफ्टी मेज़र्स रखते हैं। तो सेफ्टी मेज़र का ये रोल है कि जहाँ भी आप हैं सुरक्षित कैसे रहें, क्या आप ऐसा करें जिससे सुरक्षित रहें, तो इन्हीं के बारे में आज इसमें बताया गया है। ठीक है, तो इसकी यही डेफिनेशन है सेफ्टी मेज़र्स का, मतलब यही होता है कि कोई भी चीज़ आपको इन्फेक्ट ना कर सके, आपको इफेक्ट ना कर सके, उससे बचने के लिए आप क्या सेफ्टी रख रहे हैं। फिर चाहे वो आपकी हेल्थ केयर से जुड़ा हो, आपकी हेल्थ से जुड़ा हो, वर्क प्लेस से जुड़ा हो, काम से जुड़ा हो, किसी काम को करने के लिए क्या सेफ्टी मेज़र रख रहे हैं, उन सबको लेके ये सेफ्टी मेज़र्स बताए गए हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप किसी वर्क प्लेस पर काम कर रहे हैं, वहाँ होने वाले खतरों से आपको बचना है तो आपने PPEs पहन रखी हैं। हार्ड वर्क कर रहे हैं तो उसके लिए आपने प्रॉपर PPEs पहन रखी हैं। हाइट वर्क कर रहे हैं उसके लिए प्रॉपर PPE पहन रखी हैं। जो भी आपका वर्क प्लेस है उससे सेफ्टी मेज़र्स प्रोवाइड कराए हैं, वहाँ पे आग से बचने के लिए एक्सटिंग्विशर लगा रखे हैं, फायर फाइटिंग इंस्टॉल्यूशन कर रखा है, इस तरीके के सेफ्टी मेज़र आपने रख रखे हैं। ठीक है, घर में है तो गैस सिलेंडर अगर आसपास है, जहाँ भी रखा हुआ है किचन में, किस तरीके की सेफ्टी रखनी है, इलेक्ट्रिक जो आपके यहाँ सप्लाई हो रही है उसकी सेफ्टी कैसे रखनी है, ये सारे सेफ्टी मेज़र्स में आ गए। अभी चल रहा है कोरोना, कोरोना के लिए सेफ्टी मेज़र्स क्या हैं, हमेशा हम हैंड वॉश करते रहें, हैंड्स हाइजीन रखें। ठीक है, मास्क पहने, सैनिटाइज़र जो है अपने हैंड सैनिटाइज रखें, कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं उसको सब कुछ ध्यान में रखते हुए। इतनी सारी चीज़ें अभी मार्केट में आई हैं, किसके लिए, खुद के सेफ्टी मेज़र्स के लिए, कि हम सेफ्टी मेज़र्स कैसे किसी जगह पर रख सकते हैं। ठीक है, तो सेफ्टी मेज़र्स यही बताता है कि खुद को कैसे सुरक्षित रखना है। जैसे कि कुछ सेफ्टी मेज़र ये भी हैं, जब भी आप वर्क प्लेस पे हो तो नायलॉन क्लोथ्स को, वर्क प्लेस पे यानी कि
घर में हो या बाहर हो कोई हॉट वर्क कर रहे हो तो कोशिश करें नायलॉन क्लॉथ्स ना वेयर करें, ठीक है। एप्रन पहने जब भी आप कोई कुकिंग वर्क कर रहे हैं या वर्क प्लेस पे आप वर्क कर रहे हैं कोई हॉट वर्क वगैरह, तो एप्रन पहने, ठीक है। हमेशा एलपीजी इंस्टॉलेशन का ध्यान रखें, ठीक है। गैस सिलेंडर अगर आप यूज़ कर रहे हैं देखें वो लीकेज तो नहीं है, ठीक है। गैस सिलेंडर को कभी भी सनलाइट के एक्सपोज में ना रखें, ठीक है। हमेशा याद रखें सेफ्टी कैप जो उसके ऊपर रहता है, जब सिलेंडर यूज़ में ना हो तो उसका सेफ्टी कैप उसे बंद करके रखें, ठीक है। हमेशा रेगुलेटर बंद करके रखें, ये होम सेफ्टी बता रहे हैं इसमें सेफ्टी मेजर्स, ठीक है। बाकी ये जो सारी चीज़ें हैं एलपीजी से रिलेटेड हैं, ठीक है, आपको बताया गया आप कैसे सेफ रह सकते हैं। और भी जगहों पर चीज़ें रहती हैं, वर्क प्लेस पर सेफ्टी कैसे रखनी है आप जानते हैं, उसके लिए पूरा एक प्रोसीजर रहता है, एसओपी बनता है किसी भी काम को तरीके से करने के लिए, सेफ्टी से करने के लिए। बाकी और भी तरीके की सेफ्टी आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती है ताकि किसी भी तरीके के कोई एक्सीडेंट ना हो, ठीक है। तो ये सेफ्टी मेजर्स आपको यही बताते हैं हर किसी जगह पर किस तरीके से वर्क करना है, क्या उसके स्टेप्स रहेंगे, क्या स्टेजेस रहती हैं, सब कुछ इसमें बताया जाता है, ठीक है। तो ये आज मैंने आपको सेफ्टी मेजर्स के बारे में बताया कि इसका क्या रोल है, क्या इम्पॉर्टेंट रोल है, ठीक है। अगर आप सेफ्टी मेजर्स प्रोवाइड कराते हैं तो आप अपनी वर्क प्लेस को, अपने हाउस को, अपने आसपास की जगहों को, हॉस्पिटल्स को, सब चीज़ों को सेफ रख सकते हैं और आप अभी इस समय चलने वाले कोरोना से भी बच सकते हैं। तो ये था आज सेफ्टी मेजर्स, ठीक है। सेफ्टी देखिए, सेफ्टी फर्स्ट है। अगर आप सेफ्टी रखेंगे तो आप सब चीज़ों से बच सकते हैं, होने वाले सभी खतरों से बच सकते हैं। तो सेफ्टी रखना बहुत ज़रूरी है, तो स्टे सेफ। साफ़ सफाई जो है उसका ध्यान रखिए कोरोना के टाइम पे, और अपने वर्क प्लेस पे भी ध्यान रखिए खुद का, और बाकी सारे जो छोटे छोटे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, नियर मिस हो सकती हैं, उनका ध्यान रखिए कैसे आप सेफ रह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। सो थैंक यू।